छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किसिम किसिम के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमार वेबसाइट news36live.com मा आवाओ और नोटिफिकेशन ला अलाउ कराओ। जय जोहार। बड़का समाचार देखे के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसा के। कबीरधाम जिला के बहरमुड़ा इंदौरी मा कबीरपंथी समुदाय के विशाल भव्य मेला के आयोजन होइस। कबीरपंथी अनुयायी मन के अनुसार बहरमुड़ा ह पंथ श्री हुजूर ग्रंथ मुनि साहेब के पैतृक गांव आए और कबीरधाम हा साहेब के जन्म स्थली ग्रंथ मुनि नाम साहेब अपन बहनी के यहाँ बहरमुड़ा मा भाई दूज मनाए ला आवाए और स्मृति मा बहरमुड़ा मा पाछू 7 साल ले हर साल भाई दूज मा भव्य 3 दिवसीय मेला के आयोजन करे जाते, जिनमा पूरा छत्तीसगढ़ के कबीरपंथी मन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। ये विशाल मेला मा लगभग 20,000 ले ज्यादा लोगन कबीरपंथी और क्षेत्रवासी ए दिन मा हिस्सा लेते। कई हजार आगंतुक मन भर भोजन भंडारा के व्यवस्था समिति के द्वारा रखे जाते। बहरमुड़ा ग्राम में मनाया जाता है। बहरमुड़ा ग्राम पंच श्री हुजूर ग्रंथ मुनि नाम साहब के पैतृक ग्राम है और उनका जन्म स्थल कबीरधाम कंवरधाम माना जाता है। और भाई दूज मेला इसलिए प्रारंभ किया गया है क्योंकि यहाँ पर पंच श्री हुजूर ग्रंथ मुनि नाम साहब अपने बहन से भाई दूज के अवसर पर हमेशा आया करते थे और चूँकि वो उनका पैतृक ग्राम भी था इसलिए उनके स्मृति में यह आयोजन विगत 7-8 वर्षों से प्रारंभ किया गया है। पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के उपस्थिति में एवं पंच श्री उदित मुनि नाम साहब की उपस्थिति में यह कार्यक्रम बृहद रूप से आयोजन होता है, जो भाई दूज के दिन से स्टार्ट होकर के यह 3 दिन तक बृहद रूप से चलता रहता है। भाई दूज मेले का समापन कबीरपंथ के महायज्ञ एगोत्री चौका आरती के साथ सम्पन्न होता है। और विगत वर्षों से पंच श्री हुजूर ग्रंथ मुनि नाम साहब के स्मृति भाई दूज मेला का प्रारंभ हुआ है, अनवरत चल रहा है। सदगुरु कबीर साहब पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब की दया से आज निर्विघ्न यह मेला संचालित हो रही है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पधारे हैं और निरंतर सुबह 10 बजे से रात्रि अंतिम व्यक्ति तक के यह भोजन भंडारा साहब का सदगुरु का भोजन भंडारा का प्रसाद लोगों को मिलता रहता है और जितने भी बार लोग अपना भोजन प्रसाद प्राप्त करना चाहें वो सभी लोग सभी पंथ धर्म के लोग यहाँ आ करके साहब के भंडारा से भोजन ग्रहण करके जाते हैं और साहब के वाणी वचनों को सुनकर यहाँ से जाके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ऐसा हमारा सौभाग्य है इस क्षेत्र का, कबीरधाम जिला का, जो हम वंशगुरु का इस पैतृक ग्राम बहरमुड़ा में हम लोगों का आने का सौभाग्य और सानिध्य मिलता है।